हाय स्टूडेंट्स, सभी लोगों का क्वेरी जा रहा है कि जो कॉमन मेरिट रैंक है या कैटेगरी मेरिट रैंक है, इसके आधार पे आपका काउंसलिंग होगा। और जो लास्ट ईयर का कट ऑफ का जो लिस्ट आपको वेबसाइट से मिल रहा है, उसको आप कैसे लाइक एनालाइज करो। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कॉमन मेरिट रैंक के आधार पे ही कट ऑफ का लिस्ट लास्ट ईयर का तैयार हुआ है, उसको आप एनालाइज करें अपने सीएमआर से, ना कि कैटेगरी रैंक से। कैटेगरी रैंक जो है वो आपको हेल्प करता है ये समझने में कि कितने परसेंट रिजर्वेशन सीट आपके लिए हैं। लाइक अगर आप 27% आप लेके चलो, या फिर एससी या फिर ईडब्ल्यूएस का अगर 15% है, तो 2000 में 15% सीट आप मान के चलो एवरेज। मैं रफली फिगर की बात कर रहा हूँ, 2000 सीटें हैं डिजाइन को लेके, तो उसमें आप बोल सकते हो कि 300 सीटें रिजर्व है बैचलर इन डिजाइन EWS या फिर SC कैटेगरी में, जो 15-15% है। ये मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा हूँ, बट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका 300 रैंक SC में आया है, SC कैटेगरी में आया है, या फिर आपका 300 रैंक EWS कैटेगरी में आया है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सीटें मिलेंगी, लेकिन सीटें तभी मिलेगी जब आप अपने कैटेगरी, अपने रैंक के अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट, अपने प्रेफरेंसेस को चूज करोगे। ये नहीं कि रैंक बहुत ही पीछे आया है और आप निफ्ट दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, मुंबई जैसे सेंटर के लिए चेज कर रहे हो, तो वो एक गलत डिसीजन हो सकता है। इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें एंड वहां पे मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे, आपके किस, आपका रैंक क्या है। उसके लिए मैं एक गूगल फॉर्म आपको भेज दूंगा ग्रुप में, उसको आप फिल करना, उसके बाद हम और आप दोनों एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट रिजल्ट है, क्या बेस्ट रैंक के साथ क्या बेस्ट आउटपुट, आप कौन से कैंपस में कौन सी सीटें मिल सकती है। तो इसमें हम आपको पूरा गाइड करेंगे A to Z, और इसके लिए आपको सिर्फ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आप क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और स्टार्ट करें हमारे साथ काउंसलिंग का प्रोसेस। और कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी 8 तारीख तक डेट है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ उसको 7 तक लेके चलते हैं। और अभी 1-2 दिन हम लोग होमवर्क करेंगे कि क्या रैंक आया और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रेफरेंसेस डालना चाहिए। लास्ट ईयर मैंने ये भी देखा है कि हमारे स्टूडेंट जिनका रैंक कुछ ज्यादा आ गया था, मतलब थोड़ा पीछे चला गया था, उनको सीटें मिल गई। बट हमारे कुछ ऐसे भी बाद में हमें स्टूडेंट ने कॉन्टेक्ट किया जिनकी रैंक बेटर थी, जिनके मतलब दोनों रैंक बेटर थे, सीएमआर और सीआर रैंक अच्छे थे, फिर भी उनको नहीं मिला, क्योंकि मैंने एनालाइज यही किया कि उनके जो प्रेफरेंसेस थे वो गलत थे उनके रैंक के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत ही मैटर करता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें एंड जैसा मैं गाइड करता हूँ वैसा करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको सीटें मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्लिक करें बेल आइकन को, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। और एक रिक्वेस्ट होगा कि लाइक जरूर करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिसको हमारे साथ काउंसलिंग में हेल्प की जरूरत है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।